रिकॉर्ड्स की भरमार। क्या बात, किसी भी मुल्क का प्लेयर हो, मैं दावे से कह सकता हूं इससे ज्यादा स्टाइलिश बैटर मैंने आज तक नहीं देखा। तालियां। इस शख्स की शॉट शॉट नहीं, आर्ट है, आर्ट। एक्चुअली आई एम अ फैन, और फैन नहीं सर, सर मैं आशिक हूं आपका सर, और सारी जिंदगी रहूंगा। और सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान का हर वो शख्स जिसे क्रिकेट से थोड़ा सा भी लगाव है सर, उसको पता है कि पाकिस्तान के पास एक आर्टिस्ट था, एक आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट रहेगा। मैं चाहूंगा अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द लेजेंड, फॉर अ लिविंग लेजेंड, मोहम्मद यूसुफ साहब, प्लीज प्लीज कम। जिसके लिए डायरेक्टर्स, राइटर्स, कैमरामैन तैयारी नहीं करते, सिर्फ एक बल्ला पकड़ के मैदान में उतरता है, वो बल्ला नहीं वो मुल्क का झंडा होता है। जोरदार ताली मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए। सर प्लीज, सर 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 प्लीज सर, तशरीफ रखो सर, तशरीफ सर, बैठिए ना सर। ठीक है, अंदर मुलाकात होगी सी मेरी तरह। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे, माफी दे दो। मैं क्या कह, मेरे हाथ बना रहा सर। सर तशरीफ रखें सर। थैंक यू। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से, इतने खूबसूरत चेहरे यहाँ मौजूद हैं, और पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के हर बासी की तरफ से वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। जब भी कोई बॉलर आ, बिस्मिल्लाह, ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात, हाजिला। अगर तस्वीर ले रहे हैं? हाँ जी लेंगे। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, क्रैक शू। यूसुफ भाई, एनु पहचाने हैं तुसी? ए ओ बॉल है जिन्हें तुसी ग्राउंड तो बाहर छोड़ दो। इमरान भाई, आपको पता है ये गांव के कैमरामैन है, इनको ड्राउन का नहीं था पता। अच्छा। एक बार ये छत ड्राउन आया तो उन्होंने दाना पान दे। सर 39 सेंचुरीज, ओह तमगा इम्तियाज, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड का हाईएस्ट स्कोर। साल 2006 में तकरीबन 1800 रन। क्या बात, 11 मैचेस में 6 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, 11 मैचेस में 9 सेंचुरीज। वनडे में 141 नॉट आउट। तालियां। क्या बात। और टेस्ट में हाईएस्ट 223, इजाजत दें तो ये हाथ चूम सकता हूं। ये हाथ मुझे दे ले ठाकुर। अरे क्या बात सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जो कुछ भी आपने बताया इधर, ये सब है वैसे सारी कौम की वजह से। बिल्कुल, सारी कौम की दुआएं होती हैं क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होती तो पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो प्लेयर खेल रहा होता उसके लिए भी बहुत दुआएं करते हैं। इन सब की दुआओं की वजह से आज हम यहाँ हैं। क्या बात, तो पाकिस्तान का एहसान है मुझ पे भी और मेरे जैसे जितने भी प्लेयर हैं उन पे पाकिस्तान का एहसान है, हमारी कौम का एहसान है। अगर पाकिस्तान मौका ना देता तो ये जितनी चीज़ें आपने बताई हैं मैं नहीं कर सकता था।
मौका दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जो कहा मैं उसको शेर की सूरत में कहना चाहूंगा, प्लीज कहिए, कि जिसने शिद्दत से किया काम मोहम्मद यूसुफ है, वाह, और जिसने मेहनत की सुबह शाम मोहम्मद यूसुफ है, और ये बात हकीकत है इमरान भाई, खुदा के कर्म का एक नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं क्या पाजी वो केड़ी शरेस सी जिहड़ी पैरां नूं ला के विकेट ते जांदे सो वापस नहीं सी आउण दिंदी 100-150 करन तो बगैर, वो मैनूं ते दस दिओ केड़ी चीज़ सी। देखिए मैचेस तो मैंने बहुत खेले हुए हैं तो सेंचुरीज बहुत कम है, लेकिन ये जो रेशो है ये इस हिसाब से बेहतर है जो क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है या अभी तक क्रिकेट चल रही है, लेकिन ये होता सब अल्लाह की तरफ, ये नहीं कि हम कोशिश नहीं करेंगे या मेहनत नहीं करेंगे, ये तो लाजमी करनी है। लेकिन सर अल्लाह ने ऐसा भी वक्त लाया आपके ऊपर कि 100 को सेंचुरी कहते हैं, ओ भाई पूरा साल 100 की एवरेज से खेलते रहे सर। क्या बात, ये भी अल्लाह ने करवाया। पहला दिन, पहला मैच, ड्रेसिंग रूम, वो ख्वाब जो बचपन से लेके उस दिन तक आप देखते रहे, पूरी फैमिली, जिंदगी का मंजर बदलने वाला था, क्या फीलिंग थी जब पहला मैच खेलने के लिए ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए, वहां पे बड़े बड़े स्टार्स थे? टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं जब पहली दफा आया टीम में, मेरा नाम आया, एक तो मैं पहले एक चीज बता दूं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूंगा, क्योंकि बड़ी टफ क्रिकेट थी उस वक्त। अच्छा, फर्स्ट क्लास खेलना बहुत मुश्किल काम था उस टाइम, कोई बैंक की जॉब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हम लोग गरीब बहुत थे, इसमें कोई छुपाने वाली या शर्म वाली बात भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। मैं गेम बेस पे मेरा ये था कि चलो कोई थोड़ा बहुत सिस्टम चल जाए, गुजारा चल जाए। तो कैसे पहुंचे, कौन है वो शख्स? ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चला है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी तक मैं सोचता हूँ ये कैसे हुआ। वो निज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इंग्लैंड लीग खेलता था और मैं जब वापस आया पहले साल। कैसे गए इंग्लैंड, तरीका क्या था? वो तरीका ये था कि एक मैच था तो मैं क्रिकेट छोड़ चुका हुआ। क्या घर के हालात की वजह से छोड़नी पड़ी क्रिकेट? हाँ, लेकिन मुझे मेरे वालदन ने कभी नहीं कहा है क्रिकेट छोड़ दें। आपको खुद एहसास हुआ? मैंने खुद छोड़ दी। छोड़ के क्या किया आपने फिर? मैं टेलरिंग का काम सीख रहा था। अच्छा। हाँ, मैं टेलरिंग का काम सीख रहा था तो 4-5 महीने हो गए थे मैंने क्रिकेट को गया ही नहीं था, ग्राउंड में नहीं गया था। मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ क्रिकेट बहुत थी। रेलवे कॉलोनी की बात? हाँ, रेलवे कॉलोनी। अच्छा, तो उनका ना एक प्लेयर कम हो गया, तो क्योंकि सारे एक ही एरिए के थे, उन्हें पता था मैं खेलता हूँ, तो वो एक दिन आए मेरे घर शाम को, सुबह मैच था। तो तुसी दर्जियां दा काम सीख रहे हो? हाँ, मैं काम सीख रहा था। अच्छा। तो शाम को घर आए मेरे, तो मुझे कह रहे यार कल हमारा मैच है, टूर्नामेंट का मैच है, क्लब का मैच होता तो कोई बात नहीं, तो आप खेल लो। तो मैंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ। मैंने अंदर अपनी वालदा से बात की, तो वालदेन तो वालदेन होते हैं, उन्होंने कहा बेटा शौक है तुम्हारा, खेलो तुम, कोई बात नहीं। मैं चला गया सुबह, मैं खुश हो गया, मैं चला गया। अब चले गए तो मुझे टॉस हुआ, बैटिंग हमारी आ गई। अच्छा। उन्होंने मेरे से पूछा कि किस नंबर पे खेलोगे? मैंने कहा मैं खेला नहीं हुआ काफ़ी अर्से से, जो जिस नंबर पे भेजोगे मैं चला जाऊंगा। तो अल्लाह ने कोई निज़ाम किसी का बनाना हो तो वो ऊपर से हमारे 30 पे 3 आउट हो गए, तो मैं 5वें नंबर पे गया, तो अल्लाह ने मेरे से 100 करवा दिया। आए। तो मैंने 100 किया तो उस क्लब से एक प्लेयर होता था वो इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट करवाता था लीग के, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई इंग्लैंड लीग खेलोगे? मैं क्यों नहीं खेलेंगे जी। तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ मैं मैच खेलने चला गया। काफ़ी पैसे सी जड़ी ऑफर की थी उन्होंने? नहीं नहीं, पैसा कोई नहीं मिला था, इंग्लैंड भी फ्री फ्री। नेक्स्ट ईयर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा हुआ था। टिकट उन्होंने ले सके भी अपनी से? टिकट भी मेरा ख्याल कुछ मुझे ही डालने पड़े। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇੰਝ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਨੇਕ ਕੱਢੀ।